दुनिया की आम जमीनों पर हर एक चल सकता है, हर एक आ सकता है, हर एक जा सकता है, लेकिन जब वो दायरा मस्जिद का आपने बना दिया तो अब वहाँ वही आएगा जो मुसलमान होगा, गैर मुसलमान उसमें नहीं आ सकता। ये एक एरिया आपने मखसूस कर दिया, उस मखसूस करने की वजह से उसकी अजमत बढ़ गई, उसका एहतराम बढ़ गया। दुनिया में बहुत से प्रोग्राम होते हैं, दुनिया में बहुत से फंक्शन होते हैं, दुनिया में बहुत से प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं, लेकिन अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर कोई एहतमाम कर दिया जाए, उनके नाम पर अगर मजलिस बर्पा कर दी जाए, तो उस प्रोग्राम से बेहतर भी कोई प्रोग्राम नहीं होता। दुनिया के सारे प्रोग्राम उसके आगे फेल हो जाते हैं। और वो जगह जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाता है, वो जगह भी तमाम जगहों से बुलंद हो जाती है, तमाम जगहों से बेहतर हो जाती है। क्यों बेहतर हो जाती है? इसलिए बेहतर हो जाती है कि आज तक आप हजरात सुनते चले आए हैं, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कहीं मजलिस बर्पा की जाती है तो मजलिस के मौके पर हुसैन की दुखियारी माँ अपने लाल के फर्श अज़ा पे आके बैठ जाती है, फर्श अज़ा पे आके बैठ जाती है, ताकि ये देखें कि हमारे लाल का जिक्र करने वाले, हमारे लाल का जिक्र सुनने वाले, हमारे लाल पर गिरिया करने वाले कौन कौन हैं, कौन कौन आ रहे हैं। तो इस फर्श अज़ा की अहमियत बढ़ जाती है इसलिए कि जनाब सैयदा यहां तशरीफ लाती हैं। जनाब सैयदा तशरीफ लाती हैं और आके बैठ के इंतजार करती हैं कि कौन मेरे लाल के जिक्र में आ रहा है, कौन मेरे लाल के जिक्र में शरीक हो रहा है। आज हमने शिरकत का जो उसूल बनाया है वो ये कि हम सोस को मजलिस नहीं समझते, हम मरसिया को मजलिस नहीं समझते, हम अहल बैत की जो मनकबत की जाए हम उसे मजलिस नहीं समझते, मजलिस उसे समझते हैं जब मौलाना मिंबर पर आके बैठ जाए तो हम उसी को मजलिस समझते हैं। हालांकि ये मौलाना के जो यहां बैठने का सिलसिला है ये बहुत पहले से नहीं है, ये बाद में राइज हुआ है, पहले मरसिया ही के जरिए पैगाम पहुंचाया जाता था, पहले सोज़ो सलाम ही के जरिए यह पैगाम पहुंचाया जाता था। और इन तमाम चीजों में इतनी उसत होती है कि आप एक घंटे की तकरीर एक तरफ और एक शायर अगर बेहतरीन शेर कह दे तो उसका एक शेर एक तरफ, यानी एक घंटे की तकरीर आपके दिल को नहीं छुएगी जो एक शेर आपके दिल को छू लेगा। सुभान अल्लाह। तो हम उसको मजलिस नहीं समझते, लिहाजा देखें हम बाहर घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, किसी और चीज में मसरूफ होते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, चाय सिगरेट का दौर चलता रहता है, इसलिए कि हम मजलिस नहीं समझते। बीबी सैयदा आके इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर। हमें उनका इंतजार करना चाहिए या उन्हें हमारा इंतजार होना चाहिए?
हम वक्त पर आए और फर्श आजा पर इस डर और इस खौफ से बैठ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बीबी हमसे पहले आके बैठे और हमारा इंतजार करें। और कहां बैठती हैं इस फर्श आजा पर हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे ही आसपास बैठती हैं, हमारे जवार में बैठती हैं, हमारे पड़ोस में बैठती हैं। अजीजों मैं एक बात कहता हूं, आज देखें हम सब के सब जन्नत में जाने के लिए तैयार हैं, हम जन्नत में चले जाएं और एक दुआ ये करते हैं कि परवरदिगारा जन्नत में हमें जगह देना तो जवारे मासूमीन में देना, जहां मासूमीन हो वहां हमें जगह देना, जहां अली हो वहां हमें रहने के लिए जगह देना, जहां फातिमा हो वहां हमें जगह देना, जहां हसन और हुसैन हो वहां हमें जगह देना, जहां सज्जाद और बाकी हो वहां हमें जगह देना, जहां इमाम सादिक हो इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम हो वहां हमें जगह देना। अजीजों जन्नत तो पक्की ही नहीं है, मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, जब जन्नत में जाएंगे तब वहां हमें जवार मासूमीन नसीब होगा। कम से कम यहां तो यकीन है कि मजलिस में बीबी सैयदा आती है, अगर वहां जवार में बैठने की तमन्ना है तो सबसे पहले मजलिसों में बैठिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कसाफत गंदगी और नजासत तमाम चीजों को दूर रखा,
और इनको ऐसा पाक पाकीजा रखा जैसे पाक पाकीजा रखने का हक है। ये बीबी ताहिरा है, ये बीबी मुताहिरा है, ये मरकजे तहारत है, ये मरकजे तहारत है। कहते नजासत इनके करीब जा नहीं सकती। तो अजीजों मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरीके से आप अल्लाह के घर में जाते हैं तो बातहारत होके जाते हैं, वैसे मजलिस में भी आइए तो तहारत के साथ आइए। इसलिए कि एक ऐसी इस्मत माँ मुकद्दरा ऐसी मौजूद है जो ताहिरा भी है मुताहिरा भी है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ताहिर हों। यहां आए तो पाक पाकीज़ा, ये जिस्म पाक हो, ये फिक्र पाक हो, ये ज़हन पाक हो, हर एतबार से पाक पाकीज़ा हो के आए ताकि अगर इस बीवी के पास बैठने का मौका मिल जाए तो बीवी अपने दामन को समेटे ना कि ये कौन मरीज हमारे पास आके बैठ गया। ताहिर हो गया। मस्जिद में की जाने वाली इबादत वो भी एक इबादत है, फर्श अज़ा पर आके जिक्र अहले बैत सुनना ये भी एक इबादत है। पाक होके आइए, ताहिर होके आइए। जब पाक होके आएंगे तो इन पाकीज़ा हस्तियों की पाक बातें आपके पाक दिल में उतरेंगी, वरना इस नजिस दिल में, इस बुग्ज हसद और कीने से भरे हुए दिल में कभी इन पाकीज़ा हस्तियों का जिक्र नहीं आ सकता। क्या जब पाको पाकीज़ा रखें अपने आप तो बीवी कहां आती है, मजलिस में आती है। लिहाजा हमको क्या चाहिए, बीबी के आने से पहले हम फर्श अज़ा पर मौजूद हों। सोज भी मजलिस है, सलाम भी मजलिस है, मरसिया भी मजलिस है, ये सारी चीजें सब के सब मजलिस हैं। और एक तबका तो हमारा ऐसा है अजीजों, बात आ गई है तो अर्ज कर दूं कि मौलाना के बैठने को भी मजलिस नहीं समझता, मजलिस नहीं समझता। ये मजलिस किसे समझता है, ये मजलिस जब नौहा खान नौहा पढ़ने के लिए खड़े हो, मातम का जब वक्त आता है तो मातम को मजलिस समझते हैं। और ये हमारा तबका जो जवानों का है जो मातम करने वाले, बहुत से लोग मातम के लिए मखसूस है, मातम करिए, मातम से मना नहीं करते, मातम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन मातम के साथ साथ आपको और क्या करना है भाई। सीने पर जिसका नाम लेके आप हाथ मार रहे हैं कम से कम उसकी मारफत तो होनी चाहिए। और ये मारफत उस वक्त होगी जब आप उसके जिक्र को सुनेंगे, जब आप उसके फजाइल को सुनेंगे, जब आप उसके कमाल को सुनेंगे, जब आप उसकी फजीलत को सुनेंगे, तब मारफत पैदा होगी। वरना हाथ सीने पे होगा, नजरें छतों पे होंगी। हाथ सीनों पे होंगे, नजरें हमारी कहीं और होंगी। हाथ सीनों पे होंगे, दांत हमारे बाहर होंगे, क्योंकि हमें मार्फत नहीं है। जब मार्फत हो जाएगी तो ये दांत अंदर होंगे, ये निगाहें नीची होंगी, ये नजरें नीची होंगी जब इंसान मातम करेगा मार्फत के साथ। लिहाजा हमारे नौजवान भाइयों को जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है कि दीन सीखें, इसलिए
जवान जो होते हैं वो कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जिस कौम के नौजवान दीन इस्लाम से दूर हो जाए वो कौम तबाह हो जाती है। मैंने बहुत देखा, लखनऊ में भी हमने बहुत सी मजलिसें पढ़ी, लोगों को मुतवज्जे किया, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। इधर मसायब खत्म हुआ, उधर से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन कहते चले आ रहे हैं सदा पढ़ते हुए। फजाइल में गायब थे, मसायब में गायब थे, जब मातम का वक्त आया चले आ रहे हैं। अब एक मजलिस यहां खत्म हो गई, यहां मातम कर रहे हैं, दूसरी जगह मजलिस हो रही है, फिर जब वहां फजाइल मसायब खत्म पे है तब यहां से फिर भाग के वहां जा रहे हैं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अरे मजलिस आपने सुनी नहीं, फजाइल आपने सुने नहीं, मसायब आपने सुने नहीं, लब्बैक या हुसैन क्या कह रहे हैं? हुसैन के पैगाम को आपने सुना नहीं, हुसैन के बयान को आपने सुना नहीं, कह रहे हैं लब्बैक या हुसैन। ये जवान तबका जिसे इल्म की जरूरत है, जिसे मारफत की जरूरत है, हमने अंजुमन बना के इसको सिर्फ मातम पे लगा दिया, तुम मातम करते रहो। ए मेरे जवानों, मातम करो, मातम से इनकार नहीं है, मैं कहता हूं खूब मातम करो, लेकिन जो आपको पहले बताया जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, जो बयान किया जा रहा है, उसको भी सुनिए, तब देखिए आपको मातम करने में कितना मजा आएगा, फिर मातम करने में कितना लुत्फ आएगा। जब इमाम की मारफत हो जाएगी तब फिर आपको मारफत के बाद कितना लुत्फ आता है मातम करने में। लिहाजा अगर इस तरह से आपको लगाया जाए तो आप बिल्कुल ना तैयार होइए, मैं पूरी मजलिस सुनूंगा, मैं पूरा जिक्र सुनूंगा, उसके बाद कहीं मातम करूंगा, मातम करूंगा लेकिन सुनने के बाद। ये तबका हमारा जवानों का, जवानों से गुजारिश है। मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, जवानों के ऊपर ज्यादा काम करें, जवानों के ऊपर ज्यादा काम करें। क्यों? इसलिए जवानों के अंदर नेकियां कबूल करने की सलाहियत ज्यादा होती है। जवानों के अंदर नेकियों के कबूल करने की सलाहियत ज्यादा होती है, लिहाजा जवानों को पकड़िए, इन्हें अच्छी बातें बताइए, इन्हें सही बातें बताइए, ताकि इन्हें दीन और इस्लाम की सही मारफत हो सके, दीन और इस्लाम को सही तरीके से सीख सकेंगे, सही तरीके से जान सकेंगे। तो ये कई तबका है, और एक तबका ऐसा है जो न सोज़ो सलाम, न मजलिस, न मरसिया, न मातम, किसी को मजलिस नहीं समझता, तबर्रुक को मजलिस समझता है। तबर्रुक को मजलिस समझता है, कहीं भी है चले, हाँ आप खत्म जो होगी, अब सब कुछ हो गया होगा, तबर्रुक बट रहा होगा, भागते हुए चले आ रहे हैं, क्या हो तबर्रुक दे दीजिए, तबर्रुक ले जाइए, तबर्रुक से इनकार नहीं है। अजीजों, इस मादी तबर्रुक से पहले मानवी तबर्रुक लेने की कोशिश करें। सीखें, हम यहां से कुछ हासिल करें।
वरना अगर दूसरी चीजों में लगे रहे तो मकसद हुसैन भूल जाएंगे, पैगाम हुसैनी भूल जाएंगे। ये जो जवान मातम के ऊपर मामूर किए गए हैं, इनसे आप पूछिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस लिए कयाम किया, करबला क्यों बर्पा हुई, नहीं बता पाएंगे। नौजवानों से पूछा, बताओ जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम कब शहीद हुए, कहते 8 मुहर्रम को। क्यों 8 मुहर्रम को शहीद हुए? क्योंकि हमने 8 तारीख जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब की है, तो हम कहते हैं कि 8 तारीख को शहीद। एक जवान अगर ये इल्म रखता हो और उसके बाद मातम करे तो क्या मातम करना उसे जेब देगा? जिसे ये न मालूम हो कि कब कौन शहीद हुआ, कब किसने कुर्बानी दी, तो अजीजान मोहतरम हमें इल्म होना चाहिए, हमें मारिफत होनी चाहिए। कहां होगी? जब यहां फर्श अजा पर बैठेंगे। इसका एक असर है, इसका एक असर है। मस्जिद के लिए हुक्म है, जहां आज हम बहुत मस्जिद से बेजार हैं, जितनी जल्दी हो सके नमाज पढ़ लें, जितनी जल्दी हो सके नमाज खत्म कर लें, मौलाना को सलाम पढ़ने की भी ज़्यादा पढ़ने की भी इजाजत नहीं देते, तस्बीह से दगा उठाया भागे, और उस मौलाना से खुश होते हैं जो बहुत तेजी के साथ नमाज पढ़ाए। जरा सी देरी कर दी, जरा सी ताखीर कर दी, तो हम जो है तेवर हमारे बदल जाते हैं। यह कौन सी नमाज है, ये कौन सी नमाज है, इतनी लंबी, इतनी तफसीली, हम लाल पीले होते रहते हैं। जल्दी जल्दी नमाज, 2 रकात नमाज 2 मिनट क्या 1 मिनट में खत्म हो जाती है, जबकि सूरे ऐसे हैं कि उनको पढ़ने के लिए ऐसे ताकीद की गई है कि सूरों को पढ़ें तो आप कैसे पढ़ें। नमाज के बाद तस्बीह ले ले, इतनी तेज तस्बीह पढ़ते हैं, इतनी तेज पढ़ते हैं कि एक मर्तबा सही से अगर आदमी अल्लाह अकबर या अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कहे, यहां पूरी तस्बीह खत्म हो जाती है। ये कहां से आपको सवाब मिलेगा, जबकि तस्बीह के लिए बहुत ताकीद की गई है कि नमाज के बाद आप तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ें। मुस्तहब नमाज पढ़ने से बेहतर है कि आप तस्बीह पहले पढ़ें, इतनी ताकीद है। अल्लाह इतनी तेज गिनते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, इतनी अजीम जात अल्लाहु अकबर, उसको आप इतना मामूली समझ ही नहीं है कि अल्लाह अकबर सही से अदा नहीं कर पा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सही नहीं कह रहा है, सुभान अल्लाह आप सही से नहीं कह रहे हैं। ये सब अरबी इसीलिए कहा गया है कि अगर आप, ये जरूरी नहीं कि पूरी जिम्मेदारियां मौलवी की है, वही क़राअत सीखे, वही तजवीज सीखे, वही सही तरीके से नमाज पढ़े और पढ़ाए। आपको भी तो नमाज पढ़ना है, आपको जरूरी नहीं है कि आप तजवीज सीखें, आप क़राअत सीखें, आप सही तरीके से सूरा सीखें, ये सब मौलवी की जिम्मेदारी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान को चाहिए कि ये तमाम चीजें सही तरीके से अंजाम दे, सही तरीके से अंजाम दे। तो ये जगह जो है, इसका अपना एक असर है, इसका अपना एक मकाम है, इसका अपना एक मर्तबा है। क्योंकि जब बाबरकत हस्तियां यहां आएंगी तो वहां बरकत ही का तसव्वुर किया जाएगा, किसी और चीज का नहीं किया जाएगा। और उसके बाद फर्श अज़ा पर जितने लोग आते हैं, ये भी तो आपने सुना कि जब फजाइल खत्म हो जाते हैं, मसाइब पढ़ा जाता है, तो बीबी सैयदा अपने रुमाल में अपने अज़ादारों के आंसू लेती है, आंसू ले लेती है।
ये कहाँ कहाँ आंसू लेंगी, जो फर्श अजाब पे होंगे उनके आगे आएंगी, रूमाल को पेश करेंगी, उनके आंखों से आंसू लेंगी। आप रोडों पे खड़े हुए हैं, सड़कों पे खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, वाकई अपने आंसुओं को अगर बीबी के हवाले करना है तो आप यहां आइए ताकि आपकी आंसू नजात का सबब बने, नजात का जरिया बने। यहां आके अपने आंसू आप देके जाइए, यहां आके अपने आंसू आप बीबी के हवाले करके जाइए, फिर देखते हैं। तो अजीजों बहरहाल ये मकाम बहुत ही बुलंद है और बहुत ही अहम। जिस तरीके से आप समाज कर रहे हैं, जिस तरीके से जिन जिन चीजों को आप वाकई सुनने के आदि हो गए हैं, बहुत खुशी हो रही है। इतनी देर हमें पढ़ना कुछ और था मगर हमने पढ़ा कुछ और। इस फर्श अजा का ख्याल रखें, यह फर्श अजा क्या है, ये फर्श अजा इत्तेहाद का मरकज है, इख्तलाफ का नहीं। ये फर्श अजा इसलाह का मरकज है, फसाद का नहीं। ये फर्श अजा इल्म व मारफत का मरकज है, जहालत का नहीं। यहां इत्तेहाद, लेकिन वाकई हमारी ये बदनसीबी रही कि जो जगह इत्तेहाद का मरकज थी हमने उसे इख्तलाफ का मरकज बना दिया। ये जो हालात परागंदा हुए, ये जो हालात आज ऐसे बने हैं, ये इसके जिम्मेदार हम। ये इत्तेहाद का मरकज था, यहां एक जगह जमा होने का मरकज था। इसीलिए देखें मस्जिदों में पाबंदी है कि सिर्फ मुसलमान जाए, गैर मुसलमान न जाए, मगर इस अजा खानों में इसकी कोई पाबंदी नहीं है। मुसलमान आए वो भी आ सकता है, गैर मुसलमान आए वो भी आ सकता है, यहां किसी मजहब की पाबंदी नहीं है। मजहब की पाबंदी इसलिए भी नहीं है कि हुसैन ने किसी एक मजहब के लिए जान नहीं दी, हुसैन ने आलम इंसानियत के लिए जान दी। तो हुसैन हर एक के हैं, ये सिर्फ हमारी जागीर नहीं है कि हुसैन सिर्फ हमारे, हुसैन हर एक के हैं। और जैसा कि शायर ने कहा नहीं कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन सबके, किसी एक कौम, किसी एक मजहब, किसी एक मिल्लत के हुसैन नहीं, हुसैन सबके। ये हमने हुसैन को महदूद कर दिया, जिसकी वजह से आज बहुत से लोग हमसे दूर हो गए। और आज उस दूरी का एहसास हमें है, हमारा मिशन आज ये होना चाहिए कि आजादारी के नाम पर हम सब के सब मुत्तहिद हों, हम सब के सब एक हों। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी जो आवाज दी थी, हल मिन नासिरिन यनसुरना, कौन है जो मेरी नुसरत करे, कौन है जो मेरी मदद करे, हर एक को इमाम ने आवाज दी थी, हर एक को पुकारा था, हर एक को दावत दी थी, हर एक को बुलाया था, कौन है जो मेरी नुसरत करे, कौन है जो मेरी मदद करे। अजीजो आजादारी को हमने अपने उसूल और अपने एतबार से शुरू किया, यही वजह है कि आज दूर हो गए।
देखें हम हर चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं, तो जो कीजिए बहुत अजीब जुमला कहने जा रहा हूं, हम हर चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं। यानी आज हम जिस चीज को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए उस चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो जो कीजिए जिस चीज को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए उस चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं, और जिस चीज को बर्दाश्त करना चाहिए उस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। इत्तेहाद को बर्दाश्त करना चाहिए, हम इत्तेहाद को बर्दाश्त नहीं करते। दूसरे मजहब वालों को बर्दाश्त करना चाहिए, हम बर्दाश्त नहीं करते। दूसरे कौम वालों को बर्दाश्त करना चाहिए, हम बर्दाश्त नहीं करते। अजीजो हद तो यही है ना कि जो चीज जिस चीज को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। यानी यजीदियत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, यजीदियत हम बर्दाश्त करते हैं। इत्तेहाद को बर्दाश्त करना चाहिए, इत्तेहाद को बर्दाश्त नहीं करते। आज हम यजीदियत बर्दाश्त किए हुए हैं। बुराइयां यजीदियत है, गुनाह यजीदियत है, शराब यजीदियत है, जुआ यजीदियत है, मक्कारी यजीदियत है, नाच गाना यजीदियत है, रक्स सुरूर यजीदियत है, हराम को हलाल, हलाल को हराम यजीदियत है। ये तमाम चीजें हम बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसके लिए इमाम ने कहा मैं सर दे दूंगा मगर यजीदियत को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिसके लिए करबला हुई, जिसके लिए वाकई करबला रूनुमा हुआ, उसको हम बर्दाश्त कर ले रहे हैं। यजीद को बर्दाश्त कर ले रहे हैं, यजीदियत को बर्दाश्त कर ले रहे हैं, मगर इत्तेहाद को नहीं बर्दाश्त करते हैं। दूसरी कौमों को नहीं बर्दाश्त करते हैं, दूसरे मजहब वालों को नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त करना चाहिए, इससे बड़ी बदनसीबी हमारी क्या होगी। जिसको कबूल नहीं करना चाहिए वो कबूल कर रहे हैं, जिसको कबूल करना चाहिए उसको कबूल नहीं कर रहे हैं। आज देखें कितनी यजीदियत एक किरदार है। ये हर वो चीज जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिसके खिलाफ अपनी जान अपनी कुर्बानी दी वो है यजीदियत। कल जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे यजीद की बैत नहीं कर सकता, वही जुमला आज हमको कहना चाहिए कि मुझ जैसा तुझ जैसे यजीदी फिक्रों को यजीदी किरदार को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, किस बात के हम हुसैनी हैं, किस वजह से हम ये मजलिसें कर रहे हैं, किस वजह से हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं इसी यजीदियत को बर्दाश्त करने के लिए, यजीदियत से दस्तबरदार होने के लिए। किस वजह से अजीजो, यजीदियत से दस्तबरदार होने के लिए। हम इधर से उधर जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम यजीदियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम यजीदियत को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए हमारी ये भाग दौड़ है, इसलिए हम इतनी मेहनतें कर रहे हैं, इसलिए हम इतनी मशक्कतें कर रहे हैं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे मगर यजीदियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कब आप करेंगे? ये उस वक्त करेंगे अजीजो जब आप हुसैन की मजलिस करना शुरू कर देंगे। जब तक आप अपनी मजलिसें करेंगे, जब तक आप अपनी वाली आजादारी करेंगे, जब तक आप अपना मुहर्रम सफर करेंगे, तब तक आप यजीदियत को बर्दाश्त करते रहेंगे। जिस दिन आपने हुसैनी आजादारी शुरू कर दी, जिस दिन आपने हुसैनी आजादारी शुरू कर दी, उसी दिन से आप दस्तबरदार हो जाएंगे। ये आजादारी हुसैन की नहीं है, ये आजादारी हमारी है, ये मजलिसें हमारी हैं। आइए हमारी मजलिस में आइए, आइए हमारे वहां आइए। नहीं, हम आपके यहां नहीं जाएंगे, इख्तलाफ है, लड़ाई है, झगड़ा है, उनके यहां नहीं जाएंगे, उनके यहां जाएंगे, उनके यहां नहीं जाएंगे, उनके यहां जाएंगे, ये सब हमारा है। मजलिस
مجلسوں کو مجلسوں سے ٹکرایا جا رہا ہے, جلوسوں کو جلوسوں سے ٹکرایا جا رہا ہے, انجمنیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. یہ جہاں اپنا ہوتا ہے وہاں ٹکراؤ ہوتا ہے, جہاں حسینیت ہوتی ہے وہاں ٹکراؤ نہیں ہوتا. ایک انجمن کیا, دو انجمن کیا, سینکڑوں انجمن بھی ہو جائیں وہاں ٹکراؤ نہیں ہوگا. پھر انجمن کا مطلب یہی ہوگا کہ ساری انجمنیں مل کے وہی کہیں جو ایک انجمن کہہ رہی ہے. ہم اپنی عزاداری کر رہے ہیں, یہ اپنا محرم ہے. شاید یہی وجہ ہے کتنے محرم آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. جس دن امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنا شروع کر دیں, دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے. علامہ اقبال نے بہت اچھا کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, رسم آبائی نہیں, باپ دادا کی رسمیں نہیں, شبیر کی رسم کو ادا کریں. کہ شبیر نے کون سی رسم ادا کی کربلا کے میدان میں. آج ہم محرم میں دیکھیں ہم حسین کی رسم ادا کرتے ہیں یا اپنی رسم ادا کرتے ہیں. جتنی رسمیں ہیں یہ محرم میں پہلی سے لے کے دو مہینے سب ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں. پہلی مجلس, پہلی محرم کو یہ ہوگا, دوسری محرم کو مجلس ہوگی تو یہ کھلایا جائے گا, تیسری کو ہوگی تو وہ پکایا جائے گا, چوتھی کو ہوگی تو یہ کیا جائے گا. یہ ساری رسمیں ہم نے بنائی. امام کہہ رہے ہیں کہ میری عزاداری کرو, میری رسم ادا کرو, اپنے باپ دادا کی رسم ادا نہ کرو, اپنے باپ دادا کی رسم ادا نہ کرو, میری رسم ادا کرو. میری رسم کیا ہے؟ خانقاہوں سے نکلیے, خانقاہوں میں بھی عزاداری ہوتی ہے, بہت ہی عقیدت ہے خانقاہوں کو امام حسین علیہ السلام سے, بہت عقیدت ہے خانقاہوں کو, تو خانقاہ میں رہتے ہیں. لیکن یہ خانقاہ میں رہنے والے عقیدت تو ہے مگر یہ عقیدت صرف عقیدت کی حد تک ہے, عقیدت سے حقیقت کی طرف نہیں آتے. اور عقیدت انسان کو حقیقت کی طرف لے کے جاتی ہے, عقیدت انسان کو عمل کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ کے پاس عقیدہ ہے اور عقیدے کے ساتھ اگر آپ کا عمل نہیں ہے تو گویا آپ کے پاس عقیدہ ہی نہیں ہے. عقیدہ ہوگا تو عمل ہوگا, عقیدہ ہی انسان کو عمل تک لے کے جاتا ہے, عقیدہ ہی انسان کو حقیقت تک لے کے جاتا ہے. تو جتنی رسمیں ہوتی ہیں, نظر کی ہو, نیاز کی ہو, میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نظر نہ کریں, نیاز نہ کریں, ہم کو پکڑ لیں بعد میں کہ آپ نے سب کیا کہا. آپ نظر کریں, نیاز کریں, جو بھی کریں, لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسم شبیری, جہاں یہ دماغی وہاں رسم شبیری بھی ادا کریں. آپ 7 تاریخ کو سبز کپڑے پہننا ہے اور پیروں میں بیڑی پہننا ہے اور فقیر بننا ہے, اور 9-8 کو یہ کرنا ہے, 9 کو وہ کرنا ہے, 10 کو یہ کرنا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی رسم, یہ ہماری رسم ہے. انہی رسموں میں ہمارا پورا محرم گزر جاتا ہے. ہم مجلس کا سنیں گے, مجلس اگر ہو بھی رہی ہو تو عاشور خانے میں ہم اپنی رسمیں ادا کرتے رہتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ میری رسم ادا کرو, اپنے باپ دادا کی رسم نہ ادا کرو. ہماری رسموں سے تمہیں کچھ ملے گا, تمہاری رسموں سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. میری رسم ادا کرو. میری رسم کیا ہے عزیزو؟ جب حسین کی رسم آپ ادا کریں گے
तो फिर ये जो एक सिलसिला कि पहली को ये, दूसरी को वो, तीसरी को वो, देखें दिन और तारीख भी इंसान बदलता नहीं, गुमान आता है, वहम आता है कि हमेशा इस तारीख में इस टाइम में होती चली आई है और अगर न किया तो क्या होगा। और खाने में यही चीज खिलाते थे हमारे बाप दादा, इस साल अगर बिरयानी पकवा दिया तो क्या होगा। ये बड़े शकोशुभात रहते हैं। जो हुआ है उसी तरीके से, यानी जो चला आ रहा है बस वैसे ही चलता रहे, चाहे मजलिस से मजलिस टकरा जाए, चाहे अंजुमन से अंजुमन टकरा जाए, चाहे फसाद हो जाए, चाहे लड़ाई झगड़ा हो जाए, मगर हमारा जो रस्म, हमारे यहां जो रस्म कायम है वो रस्म रहेगी। हम रस्म इधर उधर नहीं करेंगे। हुसैन की आजादारी के ऊपर आंच आ जाए मगर हमारी रस्म के ऊपर आंच ना आए। इमाम की आजादारी में खलल पड़ जाए मगर हमारी रस्मों में खलल ना पड़ने पाए। हमारी रस्म जैसी है वैसे ही चलना चाहिए, वैसे ही हमारी रस्में होना चाहिए। इमाम ने कहा तुम रस्मों के मोहताज न बनो, तुम्हें अगर आजादारी सीखना है तो मुझसे सीखो, अगर मेरी आजादारी करना है तो मुझसे सीखो, कब तुम्हें क्या करना है मैं बताऊंगा। तो जो कीजिए, कब तुम्हें क्या करना है ये मैं बताऊंगा। तुम्हें क्या मालूम, करबला नाम है वक्त के तकाजे का। तवज्जो कीजिए, करबला नाम है वक्त के तकाजे का। कौन सा वक्त किस चीज के लिए है, उस वक्त में वो काम आप कीजिए। इस वक्त जो है किसी से मुकाबला करने का है, आप यहां बैठे हुए आराम से मजलिस सुन ले रहे हैं, ये वक्त नहीं है मजलिस सुनने का। आप मैदान में आइए, आप मैदान जंग में आइए, ये इस वक्त तस्बीह पढ़ने का वक्त नहीं है, जिक्र का वक्त नहीं है, विर्द का वक्त नहीं है। तकाजाए वक्त क्या है वो देखिए, वक्त क्या चाह रहा है आपसे, इस वक्त आपको क्या करना है। अगर बाप दादा की रस्मों के मोहताज हो गए तो फिर वक्त के तकाजे को भूल जाएंगे, वही करते चले आएंगे जो होता चला आया है, वही करेंगे जो होता चला आया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बहुत मैंने समा खराशी की, बोला भाई मैंने सोचा कुछ और था लेकिन मौजू कुछ और हो गया बहरहाल। लेकिन अजीजों मैं यही कह रहा हूं कि ये जो मौका मिला है इसे अच्छा सुनिए, अच्छी तरीके से समझिए और बेहतरीन तरीके से अपने वजूद का इसे हिस्सा बनाइए और आजादारी करिए। तो आजादारी रस्मी न करिए जो बाप दादा करते चले आए हैं, वो आजादारी करिए जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रस्म क्या है, इमाम मदीने से रुखसत होके मक्का तशरीफ लाए और मक्के में इमाम 8 ज़िलहिज तक रहे। तवज्जो कीजिए, अगर हुसैनी अजादारी करना है, रस्म हुसैनी अदा करना है, तो हुसैन की रस्म क्या है, 8 ज़िलहिज को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 8 ज़िलहिज तक कहां है, मक्के में। और 8 ज़िलहिज का वक्त वो होता है जहां हाजी एहराम बांधते हैं हज और उम्र हज के लिए, वहीं 8 ज़िलहिज को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहां तमाम हाजी एहराम बांध रहे हैं वहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एहराम खोल रहे हैं। तवज्जो कीजिए, रस्म क्या है, 8 ज़िलहिज को एहराम बांधना ये रस्म है, खोलने की रस्म नहीं है। काय की रस्म है, एहराम बांधना, 8 ज़िलहिज
हिज को जहां तमाम हाजी एहराम बांध रहे थे वहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एहराम खोल रहे थे। अब कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये कहे, मौला अगर आपको एहराम खोलना ही था तो आपने इस वक्त का इंतजार क्यों किया? आप 8 जिलहिज से पहले चले गए होते, 2 को चले गए होते, 4 को चले गए होते, 5 को चले गए होते, ज़िकात के महीने में चले गए होते, या हज करने के बाद आप मक्के से करबला चले गए होते, ये 8 जिलहिज ही का आपने इंतखाब क्यों किया? तो 8 जिलहिज को आप क्यों जा रहे हैं? तो इमाम यही जवाब देंगे कि मैं 8 जिलहिज का इंतजार कर रहा था। तवज्जो कीजिए, मैं जा सकता था, पहले भी जा सकता था, बाद में भी जा सकता था, लेकिन मैं 8 जिलहिज का इंतजार कर रहा था। कब 8 जिलहिज आए? ताकि जब लोग एहराम बांधने लगे तो हम एहराम खोल के जाएं। मौला ऐसा क्यों कर रहे थे? कहा ऐसा इसलिए कर रहे थे कि दुनिया वालों को रस्म तो मालूम है मगर वक्त का तकाजा नहीं मालूम। कब कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कब कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, दुनिया वालों को नहीं मालूम। मैं हकीकत और रस्म, रस्म आबाई और रस्म शब्बीरी के दरमियान एक लकीर खींचना चाहता था ताकि दुनिया समझ ले कि रस्म शब्बीरी क्या है और रस्म आबाई क्या है। और जब लोग एहराम बांध रहे थे और इमाम एहराम खोल रहे थे तो इमाम ने उन लोगों से कहा कि देखो ऐसा है, तुम लोग भी एहराम खोल दो और हमारे साथ करबला चलो, हमारे साथ करबला चलो। तुम लोगों ने क्या कहा? हज को छोड़ के आपके साथ करबला जाए? हज को छोड़ के आपके साथ हम करबला जाए? हमारे लिए हज अहम है, हमारे लिए हज अहम है, हम हज को छोड़ के करबला नहीं जाएंगे। इमाम ने कहा तुझसे, तुम लोगों से इमाम वक्त कह रहा है। कहा कोई भी कहे, हमारे बाप दादा जैसे हज करते आए हैं वैसे मैं पहले हज करूंगा, फिर उसके बाद कहीं भी जाना होगा जाऊंगा, लेकिन पहले हज करूंगा। इमाम ने कहा नहीं, हज करने का वक्त नहीं है, ये हज करने का वक्त नहीं है। कहा नहीं मैं हज करूंगा। इमाम ने कहा यह हज करने का वक्त नहीं है, ये हज बचाने का वक्त है, ये हज करने का वक्त नहीं है, ये हज को बचाने का वक्त है। मैं हज को बचाने जा रहा हूं, लिहाजा तुम हमारे साथ चलो। लेकिन इन हाजियों ने क्या कहा? मुझे हज करना है। अजीजों इमाम ने उनसे यही कहा कि देखो अगर हम भी तुम्हारे साथ आज हज कर लें तो ये जिंदगी में आखिरी हज होगा, उसके बाद मुसलमानों को हज नसीब नहीं होगा। मैं चाह रहा हूं कि हज न करके हज को बचाऊं ताकि मुसलमान कयामत तक हज से मुशर्रफ होता रहे। मैं चाह रहा हूं कि हज को बचाऊं, मैं हज को बचाने जा रहा हूं, चलो हमारे साथ। लेकिन ऐसे हमारे जैसे अकीदतमंद जाए, आपको जहां जहां जाना हो इस वक्त हम मजलिस सुनेंगे, जाइए आप, इस वक्त हम नमाजें पढ़ेंगे, इस वक्त हम तस्बीह पढ़ेंगे, इन रस्मों के गिरविदा ना हो जाओ। उसूल बदलते रहते हैं, इंसान नमाज की नियत करे और नमाज की नियत करने के बाद जहां तकबीरतुल इहराम कह दिया वहां उसके लिए नमाज तोड़ना हराम है, लेकिन वहीं अगर एक बच्चा पानी में डूबने लगे तो वही शरीयत कहती है कि नमाज को तोड़ दी जाए, इसलिए कि तकाजाए वक्त बदल गया। पहले नमाज को नहीं तोड़ना था इसलिए कि तकबीरतुल इहराम कह चुके थे, अब बच्चा डूब रहा है लिहाजा नमाज को तोड़ना।
इस वक्त हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। इमाम ने कहा ये हज करने का वक्त नहीं है, ये हज बचाने का वक्त है, ये एहराम बांधने का वक्त नहीं है, ये कफन बांधने का वक्त है, ये मीना के मैदान में जानवरों को कुर्बान करने का वक्त नहीं है, करबला में औलाद को कुर्बान करने का वक्त है। ये वक्त और है, ये है रस्म शब्बीरी, ये रस्म अदा करिए। बाप दादा के रस्मों के गुलाम न बनिए, बाप दादा के रस्मों को पीछे न चलिए। इमाम बता रहे हैं कि तुम्हें कौन सा हज करना है, तुम्हें कौन सी नमाज पढ़ना है, तुम्हें कौन से जिक्र को सुनना है, तुम्हें किस मजलिस में जाना है, तुम्हें किसकी मजलिस सुनना है, ये सब इमाम बता रहे हैं। अपने जाने से पहले ही सब कुछ अपने भाई मोहम्मद हनफिया को लिख के दे दिया, कयामत तक आने वाले मेरे आजादारों को ये पैगाम सुना देना कि मेरी आजादारी करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो अजीजो रस्म शब्बीरी क्या है? इमाम ने बताया वो तुम्हारी रस्म थी जो तुम हज करने जा रहे थे, ये मेरी रस्म है जो मैं हज को तर करके करबला जा रहा था। और वाकई अजीजो इमाम ने अगर ये करबला में कुर्बानियां देखे, जाने देखे, जगह में कुलसूम के सर से चादर देखे, अगर इस दीन को न बचाया होता, इस इस्लाम को न बचाया होता, तो आज कोई हाजी न कहलाता, आज कोई नमाजी न कहलाता, आज कोई रोजेदार न कहलाता, आज कोई दीनदार न कहलाता। ये हुसैन इब्न अली की देन है कि आज हम हाजी बन के फख्र महसूस कर रहे हैं, आज हम जायर बन के फख्र महसूस कर रहे हैं, आज हम नमाजी बन के फख्र महसूस कर रहे हैं। कैसे कैसे मसायब इमाम ने बर्दाश्त किए, कैसी कैसी मुसीबतें अजीजों इमाम ने बर्दाश्त की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अर्ज किया आपकी खिदमत में अजीजों, इमाम के नजदीक अगर सबसे बड़ी कोई मुसीबत थी, सबसे बड़ी अगर कोई मुसीबत इमाम के नजदीक थी, तो वो मुसीबत ये थी कि ज़ैनब उम्म कुलसूम के सर से चादर का छिन जाना सबसे बड़ी मुसीबत थी। ये इतनी बड़ी मुसीबत की वाकई इमाम ने भी एक मरतबा अपने सर को झुका लिया था, जब इमाम से सवाल किया जा रहा था कि इस इस्लाम को बचाने के लिए चादर देना होगी, इमाम ने सर को झुका लिया था कौन जब चादर देने की बात आई। लेकिन देखें इमाम चादर के नाम पर सर झुका ले रहा है, लेकिन आज हम अपनी माँ और बहनों, अपनी बहू और बेटियों के साथ जहां इमाम ने सर झुकाया था वहां हम सर उठा के चलते हैं, वहां हम सर उठा के चलते हैं, फख्र महसूस करते हैं। देखो इस तरीके से हम अपने घर वालों के साथ जा रहे हैं, बीबी जैनब का वास्ता, बीबी उम्मे कुलसूम का वास्ता, बीबी सकीना का वास्ता। अजीजो अपने अंदर गैरत महसूस करें, गैरत महसूस करें, वाकया गैरत महसूस करें। ये जो सबसे बड़ी मुसीबत थी जिसके लिए मेरा इमाम 35 साल तक रोता रहा, 35 साल तक क्रिया करता रहा, उसको हम कितनी आसानी से बर्दाश्त कर ले रहे हैं। अजीजों जब ये गैरत हमारे अंदर आएगी तो अगर मौला से मौला हमें गैरत की भीख दे दीजिए कि अगर हम निकले तो हमारे साथ जो हमारी औरतें हों वो सबके सब हिजाब के साथ निकले, सबके सब पर्दे के साथ निकले। ये कितनी बड़ी मुसीबत थी अजीजों, कितनी बड़ी मुसीबत थी।
कि जब ये काफिला जा रहा था, आपने सुना ना कि जब ये काफिला जा रहा था, आगे आगे सरहाए शोहदा थे, जो लोग नेजे पे बलंद थे, बीवियां ऊंटों के ऊपर सवार थी। एक ऊंट की मेहार सैयद सज्जाद के हाथ में थी। जब सहेल इब्ने साद ने देखा तो सहेल इब्ने साद ने देखा कि सारे सर नौ के नेजे पे बुलंद है, मगर एक सर घोड़े की गर्दन में लटक रहा है। सहेल इब्ने साद से रहा न गया, अंदर से एक बेचैनी हुई कि आखिर वजह क्या है कि सारे सर तो नौ के नेजे पे बुलंद है, मगर ये सर घोड़े की गर्दन में क्यों लटक रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूछे तो किससे पूछे कि देखा एक आगे शख्स है जिसके हाथ में हथकड़ी है, पैर में बेड़ी है, हाथ में ऊंट की मेहार है, पकड़े हुए जा रहा है। अजरक अल्लाह, खुदा किसी गम में न उठाए सिवाय गमे अहले बैत के, सिवाय गमे सैयद शोहदा के। इमाम सज्जाद के करीब आए और आने के बाद एक सवाल करता है, सवाल करता है, ये बताइए कि सारे सर तो नौ के नजर में बुलंद है, मगर ये सर घोड़े की गर्दन में क्यों लटक रहा है? सवाल तो कर लिया सवाल करने वाले ने, मगर सैयद सज्जाद के दिल पे क्या गुजरी ये मेरा चौथा इमाम जानता है कि मेरे इमाम के दिल पे क्या गुजरी। का ए भाई, तूने जो सवाल किया कि ये सर किसका है जो घोड़े की गर्दन में लटक रहा है, ये किसी और का सर नहीं है, मेरे गैरतमंद चाचा إنك مجيد.